वाटिका पहुंच गए अपन, श्री राम वाटिका। आगे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा रावण और हनुमान। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री सुनील व्लॉग पे। तो दोस्तों, आज अपन जा रहे हैं राम वाटिका, जो उसको बोलते हैं इंसान वन। तो अभी अभी रास्ते में अपन नादरी में, तो अभी निकलने वाले हैं, साथ में मेरे दोस्त लोग हैं और जस्ट अभी निकलने वाले हैं। पढ़ाई किया हूँ मैं, इससे पहले वहाँ पे था कांकेर में। बस थोड़ी आगे दूर में पहुँचने वाले हैं अभी। फाइनली पहुँच गए अपन राम वाटिका पहुँच गए। राम वाटिका पहुंच गए अपन श्री राम वाटिका। गोल्डन कलर में दिख रहा है ये दरवाजे। चलो भाई, अब चलते हैं अंदर। इधर आगे, जस्ट आगे में मंदिर है और इसमें इधर रास्ता और है, और एक रास्ता इधर है। तो स्टार्टिंग इधर से करते हैं, तो स्टार्ट इधर से ही होता है। बैठने वगैरह का जगह है यहाँ पे, आराम वगैरह करने तो बैठ सकते हो। पहले तो एकदम वो था, अभी तो ठीक था। जस्ट इधर पूरा जंगल टाइप का है इधर आगे में, और इधर से अपन आए हैं, फिर इधर जाएंगे आगे। तो फिर इधर पूरा रास्ता है इधर, और ये है यहाँ पे रेस्ट करने के, यहाँ पे जगह है, काफ़ी अच्छा बनाए हैं यहाँ पे, काफ़ी एकदम लुक लग रहा है एकदम रामायण टाइप का। काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पे आराम करने के लिए, कहीं दूर से आए होंगे उन लोग के लिए ठीक है यहाँ पे बैठने के लिए। और जैसे ही आगे जाएंगे, तो आगे जाने के बाद इधर आगे में तालाब मिलेगा। तो तालाब भी बहुत काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे भी कुछ बना रहे थे बैठने वगैरह की जगह, बट सक्सेस नहीं हो पाया। और इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे और बैठने बैठने का जगह मिल जाएगा, जो पिकनिक वगैरह आते हैं पिकनिक मनाते हैं। इधर का है लोकेशन, ये काफ़ी जंगल है यहाँ पे। जैसे इधर आगे आओगे तो इधर गेट मिलेगा, गेट के आगे बांध है उधर, और इधर झूलना वगैरह गार्डन टाइप का है। पहले अच्छा था गार्डन, अभी तो इतना अच्छा नहीं है। गार्डन एकदम छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बस ये झूलना है एक दो और बैठने का जगह, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर आगे मूर्ति वगैरह है, दिखाऊंगा अभी चल के। तो चलते हैं मूर्ति के साइड।
निमान काफी अच्छा लग रहा है। लुक राम हो गया, सीता, फिर लक्ष्मण, हनुमान। अब इधर आगे चलते हैं। इधर आगे में है भारत, राम भारत का मिलाप। गले लग रहे हैं दोनों भाई। कथा सुनाते चले हैं, फिर जैसे आगे आओगे, आगे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा रावण और हनुमान। कैसा लगा मेरा मजाक? ये हो गया राम और रावण का युद्ध। रावण और राम का युद्ध हो रहा है यहाँ पे, भयानक। लेकिन इसका तो धनुष ही गायब हो गया। हाथ ही लड़ रहा है, इतना पावर इसके पास, हाथ से लड़ना पड़ रहा है। तीर भी नहीं है इसके पास, ना धनुष है। रावण के पास तो तलवार भी है, फिर भी इस यहाँ पे रावण मर जाते हैं, राम का विजय हो जाता है। चलो भैया, ये राम हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठाकर लक्ष्मण के जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेके गया था यहाँ से। लेकिन छोटा सा यहाँ पहाड़, संजीवनी पर्वत को उठाना, दिखा देना एक बार काका ये कहाँ है, जूम करके। इधर लेफ्ट साइड में मंदिर जाने का रास्ता है, फिलहाल अभी तो नहीं जा रहे हैं, काम चल रहा है अभी। मंदिर का काम चल रहा है तो उधर नहीं जाएंगे अभी, अभी थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि आगे में अब बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उनको दिखाएंगे। पर लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध हो रहा है धनुष के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। दोनों का आँख नहीं है, बिना आँख का खेल रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं दोनों बिना आँख का, आँख रहता तो चलो लड़ाई भी करते हैं बिना आँख। जिसमें से राम सीलिंग का पानी ये वाला नहीं लिखा है, लेकिन नहीं करना है ना। अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो मूर्ति है यहाँ पे थोड़ा सा पेंट वगैरह हुआ है, इसलिए इनका आँख वगैरह जो भी है बना नहीं है। अशोक वाटिका जो कि हनुमान सीता को मंदिर देने के लिए यहाँ पे आया था, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है जो पढ़ लेना। यहाँ पे सीता को सीता के पास जाने के लिए इधर पूरा वानर सेना लगा हुआ है, बंदर वगैरह है, पूरा बंदर हो गया, हनुमान है, भालू है, तो ये लोग सब सीता के पास जाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और समुद्र पार करने के लिए जो भी भालू वगैरह है राम लक्ष्मण, तो उसी का ये है बता रहा है यहाँ पे लोकेशन। तो सिंपली यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे देख लेना, क्योंकि पढ़ने से समझ में आ जाएगा कहाँ का कहाँ पास का लोकेशन है वो। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पेंट हुआ है, जो कि अभी एक दो महीने में कंप्लीट हो जाएगा मूर्तियों का जो पेंटमेंट है वो पूरा। अभी तो इतना अच्छे से नहीं है कंप्लीट, फिर भी यहाँ पे अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पे बाली सुग्रीव युद्ध हो रहा है, इसलिए से यहाँ का तो धनुष है, बट इसमें धनुष टूटा हुआ है। चलो
चलो फिर चलते हैं आगे। के साथ मित्रता हो रही है राम और सुग्रीव के साथ, और बगल में हनुमान जी जो जो राम का बहुत ख्याल रखता था। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। यहाँ पे सबरी के पास है राम और लक्ष्मण जो कि बेर खा रहे हैं, बेर बोलते हैं वो बुई। सबरी पहले खाया, फिर राम को खिलाया वो अपने बीते। तो सबरी का कुटिया है छोटा सा नन्हा सा सबरी का कुटिया है जहाँ पे सबरी रहती थी। और फिर यहाँ सबरी और ये लक्ष्मण है बेर खा रहे हैं। रावण आया और सीता का हरण कर लिया, हरण करके वो श्रीलंका पे अभी ले गया। श्री राम जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वहाँ घोर शब्द लक्ष्मण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो काफ़ी सुंदर है ये किरण, इधर ही देख रहा है ये। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो भाई किरण। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण बोलता हूँ राम को, सीता राम को माला पहना रहा है, काफी अच्छा लुक है दोनों का जोड़ी, बहुत अच्छा है। तो मित्र धनुष यज्ञ, तो ये है यहाँ का लोकेशन है बालकान। यहाँ पे अच्छी तरह से युद्ध हो रहा है राक्षसिन का, और इधर लक्ष्मण ने राक्षसिन का वध कर दिया। काफ़ी खतरनाक है राक्षसिन, मैं तो देखते ही डर गया। ओरिजिनल नहीं पास है, तो आगे मंदिर है अभी बन रहा है, तो फिर भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अंदर में और मंदिर बनाएंगे, लेकिन इतना अभी तक है बना हुआ, ये अभी बनेगा, फिर मूर्ति वगैरह डालेंगे, देन यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो फाइनली अपन जा रहे हैं फिर घर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा मैं। तो थोड़ा धूप पड़ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अच्छा लगा तो। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।